नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर में चालक की लापरवाही से स्कूल से लौट रहा बच्चा ऑटो से गिरा, अस्पताल में भर्ती। सावन की तीसरी सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी भीड़, भोलेनाथ का जलाभिषेक कर भक्तों ने मांगी परिवार के सुख शांति। राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का विरोध करते हुए जेटेट सफल सहायक अध्यापक संघ ने आयोजित की बैठक। और भाजपा नेता विकास सिंह के अनर्गल बयानबाजी पर कांग्रेस नेता आफताब अहमद सिद्दीकी ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में चालक की लापरवाही से स्कूल से लौट रहा बच्चा ऑटो से गिर पड़ा, बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया। जमशेदपुर के साक्षी आमबगान स्थित प्रेम ज्योति स्कूल का एक छात्र सोमवार को घर लौटने के दौरान ऑटो से गिर गया। ऑटो वाले को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि पीछे बैठा बच्चा गिर गया है। बताते चले कि पहली कक्षा का 7 वर्षीय शिवम सेनापति स्कूल की छुट्टी होने पर अपने ऑटो से घर जा रहा था। ऑटो वाला इतनी हड़बड़ी में था कि शिवम कब ऑटो से गिरा उसे पता भी नहीं चला, वह अपने रास्ते निकल गया। शिवम को हाथ, नाक, चेहरा और छाती में चोट लगी है। इस दौरान एक राहगीर मंदिर जा रहा था, उसने शिवम को TMH पहुंचाया और घायल छात्र के घर वालों को सूचित किया। सूचना पाते ही छात्र की मां मनोरमा सेनापति अस्पताल पहुंची, पिता भी ड्यूटी छोड़कर अस्पताल पहुंचे और उसे MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुबह मैं स्कूल जा रहा था और ऑटो से गिर गया, हम लोग को पता नहीं है, और कोई लड़का पूजा कराने गया था, वही लड़का मतलब उठा गया उसको, लेके TMH किया। उसके बाद में हम लोग को TMH से वहीं से फ़ोन आया कि बच्चा गिर गया आप लोग आइए बोल के, तब हम लोग सब दौड़ दौड़ के गया बच्चे को देखने के लिए। तो वही लड़का ही बताया कि ऑटो बिड़ाला चल गया, गिर गया बच्चा, उठाया नहीं है, और वही लड़का देख के उठा के लेके गया। आम पब्लिक था वो? हाँ। ऑटो चालक कुछ इसको मदद नहीं किया? नहीं, ऑटो वाला नहीं कुछ। गिर गया ऑटो को पता भी नहीं चला? पता नहीं, पता चला कि नहीं वो तो हम लोग को मालूम नहीं है ना। वो छोड़ के चल गया? हाँ, छोड़ के चल गया। इधर सावन की तीसरी सोमवारी पर आज जमशेदपुर में देवघर का नजारा देखने को मिला। सुबह से ही हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी मिलकर गंगा रूपी स्वर्णरेखा नदी से कलश में जल भरकर जमशेदपुर के बारेडी हरि मंदिर मैदान में जमा हुए, जहां संकल्प लेने के बाद कांवरियां का जुलूस पैदल पथ यात्रा करते हुए सूर्य मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर में जलाभिषेक किए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी नदी से जल लेकर पैदल पथ यात्रा करते हुए शिव भक्तों के साथ सूर्य मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि सूर्य मंदिर कमेटी की ओर से ये आयोजन किया गया था। जो उत्साह, जो उमंग अपने आराध्य देव शिव के प्रति, जिसमें हजारों हजार महिलाएं 4 किलोमीटर पैदल चल के उत्साह और उमंग के साथ, बोलबम के नारे के साथ जो आज भगवान शिव को जलाभिषेक जल या पहुँचा रहे, तो भगवान शिव सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, भगवान सभी पर आशीर्वाद पहुँचाए। उधर राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का विरोध करते हुए जेटेट सफल सहायक अध्यापक संघ सरायकेला खरसवा ने एक महत्वपूर्ण बैठक गौरांगडी में आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष बादल सिंह सरदार ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है, जिसका संघ कड़ा विरोध करती है और उक्त नियमावली को बनाने वाले पदाधिकारियों के गैर झारखंडी मानसिकता का पर्दाफाश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल से अधिक समय से झारखंड के नौनिहालों का भविष्य सवार रहे झारखंड के भूमि पुत्र और नियमानुसार सहायक शिक्षक बनने की सभी अर्हता पूरी कर रहे जेटेट सफल सहायक अध्यापकों को जारी की गई रिक्ति में 50% के आरक्षण का लाभ देते हुए सीधी समायोजन किया जाए, अन्यथा की स्थिति में अपने वाजिब अधिकार के लिए प्रदेश कमेटी के आह्वान पर जीने मरने का उग्र आंदोलन किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार के सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली से राज्य भर के जेटेट सफल सहायक अध्यापकों में भारी आक्रोश है। हमारा एक ही मांग है कि सभी टेट पास सहायक को वेतनमान दिया जाए, क्योंकि हम एक सहायक शिक्षक बनने का पूर्ण अर्हता रखते हैं NEP, साथ ही NCT गाइडलाइन के तहत, और साथ ही राज्य सरकार के महाधिवक्ता का भी परामर्श है कि ये लोग को पूर्ण सहायक शिक्षक बनाया जा सकता है, जबकि ये लोग सहायक शिक्षक बनने का पूर्ण अर्हता रखते हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है, जबकि हमारे मांगों का अभी तक नहीं माना है। वहीं भाजपा नेता विकास सिंह के अनर्गल बयानबाजी पर कांग्रेसी नेता
आफताब अहमद सिद्दीकी ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। कांग्रेसी नेता आफताब अहमद सिद्दीकी ने एसएसपी को मांग पत्र सौंपकर भाजपा नेता को गिरफ्तार करने का मांग किया है। सिद्दीकी ने बताया कि विकास सिंह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। एक बीजेपी का छुटभैया नेता है, अपने आप को प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक क्या क्या समझता रहता है। उसने मेरे माननीय मंत्री, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के बारे में कुछ अनर्गल बयानबाजी की है और आज नहीं कंटिन्यू कर रहा है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर मैंने नेता के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मैं जेल, थाना, कोर्ट, कचहरी सब घसीटूंगा, और उस बात को पूरा करने के लिए मैं आज माननीय आदरणीय सीनियर एसपी साहब के पास आया हूं। मैंने आवेदन दिया है और कल मैं केस करूंगा उसके ऊपर। मैं अधिवक्ता से बात कर रहा हूं और उसके ऊपर केस करूंगा, उसको जेल भेजूंगा। यहां आवेदन देने का मतलब था कि उसे कल साइबर थाने ने बुलाया और बुला के छोड़ा, बुलाया का ही और फिर छोड़ा किसकी पैरवी में? आपको सवाल जवाब करना था, आप फोन टेलीफोनिक कर लेते आप। अब उसके बाद सबसे बड़ा बात, ठीक है बुलाया छोड़ा ठीक है, बाहर निकल के आप नेता के बारे में बोल रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे वीडियो रेगुलर जारी करता रहूंगा। आपके परिवार का राज है, आप कुछ जारी करते रहिएगा। विकास सिंह होश में रहो, तुमको मैं चेतावनी दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि आप कुछ भी बोलना मेरे नेता के बारे में बंद कीजिए। नेता से मेरा नहीं है, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में 5 लाख की आबादी है, जिसमें से 5 लाख में 5 लाख आदमी बन्ना गुप्ता को सम्मान करता है, मान करता है। इसमें उनका 1.5 लाख वोटर है, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन को तकलीफ होती है। मेरे मन को, मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरे मन को तकलीफ हुई है तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता है, मैं तो आपको घसीटूंगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे नेता के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो आप भी चलिए जेल, मैं भी जेल जाने को तैयार हूँ। 6 महीना जेल लेके आया हूँ, फिर जेल चल जाऊँगा, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं। राजनीति में मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, शब्दों का चयन परिपक्व रूप से कीजिए, शब्द वो बोलिए जो दूसरे को बुरा नहीं लगे, माओ बहनों को बुरा नहीं लगे। क्या क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? आप स्वयं को नेता बोलते हैं, आप नेता नहीं, आप घस गया रहे हैं मेरी नज़र में। आप कुछ बोल दीजिएगा सुन लेगा आदमी, नॉट एक्सेप्टेबल। वहीं इस मामले पर भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि आफताब अहमद सिद्दीकी मंत्री के करीबी बनना चाह रहे हैं। देखिए, केस मुकदमा का तो मैं स्वागत करता हूँ, मेरे ऊपर तो इतने मुकदमे हैं, लेकिन गर्व इस बात का है कि सारे मुकदमे मेरे ऊपर 353 के, जो जनता के काम और अधिकार दिलाने के लिए लड़े जाते हैं वो मुकदमे मेरे ऊपर हैं। आपका स्वागत है, मुकदमा कर सकते हैं। और मैं तो ऐसे हिसाब से कल मिलूंगा और कहूंगा कि मंत्री जी महत्व दे देंगे, इन्हें अपना करीबी बना लेंगे, इन्हें अपना दुलरुआ बना लेंगे, अगर मेरे को 2 दिन के लिए जेल भेज दीजिएगा। क्योंकि मंत्री जी तो मुझे जेल नहीं भेज पाए, लाख प्रयास किया, 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री को मेरी शिकायत किया, जेल नहीं भेज पाए। जेल भेज दिएगा तो मंत्री जी एक करीब हो जाएंगे बेचारे अफताज अहमद सिद्दीकी, जो गिरगिट नहीं, कपड़े कम बदलते हैं, पार्टियां ज़्यादा बदलते हैं, इसीलिए बेचारे गए होंगे। केस नहीं, अपना चूँकि मंत्री के करीब बनने का प्रयास कर रहे होंगे, मेरी भी शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ पुराने रिश्ते रहे हैं जो वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते थे, शुभकामनाएं हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन मेरे की अगर कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी उनके लिए तो मैं कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। इधर बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान प्रांगण में हर हर महादेव मिथिला समाज के तत्वाधान में 11 लाख महादेव का संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान प्रांगण में हर हर महादेव मिथिला समाज की ओर से 1 लाख महादेव का संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मिथिला समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पूरे जमशेदपुर के मिथिला समाज के लोग आज 11 लाख पार्थिवोत्सव मना रहे हैं, जिसमें शहर के सारी महिलाएं लगी हुई है, 200 से ऊपर कार्यकर्ता यहां लगे हुए हैं कि 11 लाख से ऊपर का महादेव का पूजा आज होगा। और उसमें हमारे 21 ब्राह्मण जो बनारस से, दरभंगा से और जमशेदपुर से हैं, वो लोग पूजा पाठ करा रहे हैं, और 23 जजमान हैं जो उनके साथ बैठ करके 11 लाख महादेव का संकल्प लेकर के पूजा कर रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित बेल्डी क्लब में CII का बैठक का आयोजन किया गया। बेल्डी क्लब में CII के तत्वाधान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के संबंध में ICT के झारखंड डिजिटल पैनल के संयोजक सरबजीत झा ने जानकारी दी। हम आज मेनली 4 चीज डिस्कस कर रहे हैं। एक, AI जो है ये इंडस्ट्री के लिए एक ग्रोथ है, ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है इस शतक की, और आगे बढ़ के भी ये काफ़ी दिन तक बहुत ही प्रभावशाली रहेगी। दूसरी, कि जो हमारे मध्यम उद्योग हैं इनको AI का आलिंगन करना चाहिए, और इसके लिए उनको टैलेंट चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी लेकिन टैलेंट
उनकी सोच जो है वो एआई के प्रति होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जो डेटा है हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है, 25% दुनिया की सारी डेटा इंडिया से जनरेट हो रही है, उस डेटा पर उनको कंट्रोल रहना चाहिए। क्लीन और ऑर्गेनाइज डेटा, दो चीज़ आपको इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और सबसे लास्ट में ये कहूँगा कि इसके लिए हम लोगों को तत्पर रहना चाहिए, हमको आज से शुरू करना चाहिए कि अगर हम आज से काम नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में हम इसमें पिछड़ जाएंगे। ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, इसमें हम दुनिया को सिर्फ दिशा ही नहीं दिखा सकते बट हमारी दशा को भी बहुत आगे लेके जा सकते। वही झारखंड क्रांति सेवा के आह्वान पर जमशेदपुर के साक्षी आमबगान नेताजी मैदान परिसर से साक्षी शहीद चौक गोल चक्कर तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अपना योगदान दिया। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। जमशेदपुर में नशा का कारोबार फल फूल रहा है। लगातार जिला पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा इस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, पर कहीं ना कहीं सफलता हाथ नहीं लगने की वजह से आज स्थिति भयावह होती जा रही है। ऐसे में शहरवासियों को नशे के विरोध में एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का आह्वान करते हुए जिला पुलिस और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन पर झारखंड क्रांति सेना ने पदयात्रा तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। यहाँ इस यात्रा में कई सामाजिक संगठनों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। आम लोग इस यात्रा से जुड़कर एक स्वर में नशे के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आए। पदयात्रा तिरंगा यात्रा साक्षी आम बगान मैदान नेताजी परिसर से प्रारंभ होकर साक्षी शहीद चौक गोल चक्कर में सम्पन्न हुआ। आम जनमानस अगर साथ देता है तो दुर्गा पूजा से पहले हम लोग जमशेदपुर को जो ब्राउन शुगर है ब्राउन शुगर मुक्त जमशेदपुर हम लोग नशा मुक्त जमशेदपुर हम लोग बनाएंगे, इसी संकल्प के साथ आज हम लोगों ने निकला है। साथ ही हम लोग एक और मांग थी सीनियर साहब से, हम लोगों ने कहा था कि हर थाना में भ्रष्टाचार हो रहा है, थाना वाला सुनता नहीं, आम जनमानस जाता है तो थाना वाला दरकिनारा कर देता है, उसके चलते सारे लोगों को एसपी साहब के पास आना पड़ता है, यहाँ धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। तो एसपी साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया है किसी भी स्थिति परिस्थिति में नशा हो चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे कोई भी मामला हो गाना नहीं सुनता, आप डायरेक्ट हमको फोन करिए और हम लोग जमशेदपुर में अमन चैन की स्थिति परिस्थिति में बरकरार रखेंगे। आज इसका हम लोगों ने उद्घाटन किया, कल से हम लोग हर चौक चौराहे पे हर थाना क्षेत्र में हम लोग इसका जन जागरण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और नशा के विरोध। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। Hi झारखंड पीपल्स, आई एम Kaveri Singh फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम अ परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट। मैं आप लोगों के शहर आ रही हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए परमानेंट हेयर एक्सटेंशन, लैश एक्सटेंशन एज वेल एज मेकअप। तो जो लोग भी मुझसे सीखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो लोग अपने नंबर को और अपने नाम को रजिस्टर कराएं, आज ही टिकट्स बुक कराएं ताकि मैं आप लोगों से मिल सकूँ आपके शहर में आके और आपको नई नई इन्फॉर्मेशन और नई नई टेक्निक सिखा सकूँ। थैंक यू। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। केयर फ्री बट केयर से भरपूर है फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर, एक्टिवली केयर्स फॉर योर हेयर एंड गिव्स यू सैलॉन लाइक स्ट्रेट स्मूथ एंड शाइनी हेयर। योर हेयर योर वे फिलिप्स। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे, साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिश्तीपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657232007।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। ब्रह्मा कुमारी सरायकेला की ओर से चार दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंगम शिव आध्यात्मिक दर्शन मेला 22 से होगा। परम पावन श्रावण मास के शुभ अवसर पर ब्रह्म कुमारी सरायकेला की ओर से चार दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव आध्यात्मिक दर्शन मेला का आयोजन किया गया। आगामी 22 से 25 अगस्त तक सरायकेला के अग्रसेन ठाकुरबाड़ी भवन मारवाड़ी धर्मशाला में आयोजित होने वाले उक्त द्वादश सरायकेला ज्योतिर्लिंगम शिव आध्यात्मिक दर्शन मेला को लेकर ब्रह्मा कुमारी सरायकेला गम्हरिया की बीके पूनम दीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पवित्र सावन महीने में द्वादश ज्योतिर्लिंगम शिव आध्यात्मिक दर्शन मेले के तहत भक्त श्रद्धालुओं को प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 1 बजे तक और शाम में 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लाभ मिल सकेगा, जिसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ, महाकालेश्वर, बैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, विश्वनाथ, मल्लिकार्जुन, ओमकारेश्वर, रामेश्वर, भीमशंकर, नागेश्वर और केदारनाथ भोले बाबा के दर्शन होंगे। इसके अलावा हवन यज्ञ कार्यक्रम के साथ साथ प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से और शाम 6 बजे से भव्य शिव आरती का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि द्वादश ज्योतिर्लिंगम शिव आध्यात्मिक दर्शन मेला का शुभारम्भ उद्घाटन 21 अगस्त को शाम 4:30 बजे किया जाएगा। और इस दर्शन का विशेष आकर्षक है कि यहाँ पर हम लोग सभी सावन मास में सभी ज्योतिर्लिंग को देखेंगे और अपने जीवन सुख शांति की कामना कर अपने आप को जो है शुभ संकल्प से भरपूर करेंगे। और साथ ही में हमारे यहाँ यज्ञ कुंड भी होगा। लास्ट दिन जो 25 तारीख है उस दिन बर्फ के जो आकर्षक शिव बाबा का भी बर्फ से हम लोग बनाएंगे और विशेष रूप से जो है अपनी कमी कमजोरियों को हमें इस 3 दिन के आकर्षक दर्शन में जो है हम भोलेनाथ शिव बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के जीवन में अगर कुछ भी है कमी तो हम उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए यह इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कोल्हान के पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह शिवपुरी नर्दन टाउन के लोगों से मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही यहाँ के लोगों और युवाओं से कहा कि नशा से दूर रहे और पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान दे। केंद्र और राज्य सरकार आपके लिए हर योजना ला रही है, उन योजनाओं का लाभ ले। वहीं विजय कुमार सिंह के बातों को सुनकर लोगों ने उनकी काफी सराहना की। वहीं विजय कुमार सिंह ने कहा कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में काफी समस्या का अंबार है, लोगों की समस्या को जानने हम निकले हैं, जितना हो रहा है लोगों की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील किया कि नशा से दूर रहे और पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान दे। और यहाँ पर जो मेन समस्याएं हैं लोगों की, मुख्यतः ये है कि किसी का राशन कार्ड नहीं है, जो ड्राइवर है ड्राइवरी करते हैं लेकिन उनको लाइसेंस नहीं है, उसी तरह से कुछ आयुष्मान नहीं है, इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, जिसको मैंने कहा है कि एक मेगा कैंप हम लोग लगाते हैं बेल्डी बस्ती में, जहाँ इधर के आसपास के सारे बस्ती के लोग वहाँ जाएँ और उनको पूर्व सूचना दी जाएगी और निश्चित ही हम लोग ये चारों पांचों चीज़ जो छोटे चीज़ें हैं इसको हम लोग हल करेंगे निश्चित। पूर्व में भी हम लोग यहाँ का दौरा किए थे, पिछले बार मैंने जनवरी फरवरी में यहाँ कंबल वितरण किया था, काफ़ी ठंड थी उस समय, और पुनः जो भी प्रयास हमारे स्तर से संभव होगा इनके जो समस्याएं हैं उसको निदान करने के लिए निश्चित रूप से। इसके अलावा सर कहाँ का दौरा चल रही है आपके? अभी देखिए कि अभी हम लोगों ने इधर मुरुडी है, एक बहुत बड़ा बस्ती है, कम से कम 10,000 पॉपुलेशन है आदित्यपुर में, जिसमें बहुत तरह की समस्याएं आई, वहाँ के लोग बुलाए थे और वहाँ कुछ जंगल की ज़मीन पड़ती है इसलिए वहाँ विकास का कार्य नहीं हो रहा था, तो DFO वहाँ आदित्य जी हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा है कि हम NOC दे देंगे और तब अब मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और मैंने उनसे, वहाँ के नगर निगम प्रशासक हैं गिरिजा जी, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा है कि जैसे हमको NOC मिल जाता है तो वो करेंगे। तो इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में दौरा हो रहा और वहाँ की समस्याओं को जानकर जैसा समस्या है उसी के अनुसार हल। सबसे ज़्यादा सर समस्या किस चीज़ की आ रही है? देखिए जहाँ तक गरीब लोगों का है ना, उन लोगों का सबसे बड़ा समस्या है रोजगार का। रोजगार जैसे एक में अभी मैं एक देख रहा था, ITI का लड़का है, किया हुआ है और वो गार्ड का काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से ITI वो पढ़ा था गार्ड बनने के लिए नहीं, तो गार्ड के लिए जो ITI के लिए जो जॉब हो सकता है उसको मिलना चाहिए,
तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कहाँ पर वैकेंसी निकलता है और उसको भरवाएंगे ताकि उसको उसके योग्यता के अनुरूप उसको जॉब मिल पाए। यादव सेवा के प्रतिनिधि मंडल ने SSP को ज्ञापन सौंपा। विगत 7 अगस्त को उलीडी स्थित रामनगर में गोली चालन मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। यादव सेना के प्रतिनिधि मंडल ने SSP को ज्ञापन सौंप कर 7 अगस्त को उलीडी थाना स्थित रामनगर में गोली चालन मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उलीडी थाना का जो मामला है, जहां पर गोली चली थी, विक्रांत और विपुल नाम के लड़के ने गोली चलाया था, मनीष यादव को गोली मारा था, उसी कांड के संदर्भ में हम लोग सीनियर SP साहब से मिलने आ जाए हुए हैं और ये बस्ती के लोग हैं, ये लोग काफ़ी दहशत में हैं और विभिन्न प्रकार से लोगों का नाम को जोड़ दिया गया है, अनेक लोगों का नाम को जोड़ दिया गया है इस कांड में, जो कि कहीं उसमें है नहीं। इसलिए हम लोग इसको मांग करेंगे कि निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाए, जो लोग शामिल हैं उनका नाम रखा जाए, जो शामिल हैं उनके नाम को हटाया जाए। 50 लोगों के आसपास नाम है, 28 लोग नामजद हैं और 10-15 अन्य हैं, तो क्या सभी गाँव के लोग और सभी मोहल्ले के लोग गाड़ी जलाने जाएंगे या किसी घर पर हमला करेंगे? सब झूठी बात है, ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए एक झूठा केस किया जा रहा है। इसलिए हमारा प्रशासन से निवेदन होगा कि सही तरीके से जांच किया जाए और जो लोग उसमें शामिल है उनका नाम को रखिए, अन्य लोगों का नाम को हटा दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं सर, आज जो मनीष यादव को गोली मारे हैं, आज पेटा अगर किसी का है, अगर उनका जान चल जाता है और आज थाना वाला गाड़ी का ज़्यादा कर रहा है, जाके पूछ कर रहा हम लोगों को गवाही कौन है, कौन जलाया, इसी में तंग हो रहा है। आज बेटा उसका जो पड़ा हुआ है मर जाता है बेटा, तो बेटा देता है गाड़ी तब मिल जाएगा सर, तब बेटा देगा। आप हमको ये बताइए, गोली चलाया दिन दहाड़ में, आज वो कितना बड़ा गुंडा है, अब सब मिल के मारे हैं, गुंडा ला के रखे थे, आज उनका पर यही अवस्था है, आज ऐसा अवस्था पड़ा हुआ है मनीष यादव के। कब लगा हुआ था? 7 तारीख को 10:30 बजे सर, हम उस टाइम मजबूत था, मेरा आगे में मार के गिरा दिया है सर। विपुल विक्रांत सिंह चलाया पहले, उसका बाद विपुल सिंह चलाया सर, और उसका बाद मारा भी पूरा परिवार मिल के, और कुछ गुलरा भी बुला के रखे थे। तो गाड़ी कौन चलाया सर, बता रहे आप लोग? गाड़ी कौन चलाया? हम लोग पूरा हॉस्पिटल में था, मनीष यादव के लेके गया है, और गाड़ी कौन चला? अपने से जला के और सबको बचने के लिए, दुर्घटना से कम करने के लिए ये चीज करा जा रहा है सर। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को नहीं मांग कर रहा है, जब सबूत नहीं मिला, प्रूफ नहीं मिला, कुछ नहीं है, वीडियो कैमरा दिखाइए, सबूत दीजिए, तो केस की जाए, उसका नहीं मिला और फिर केस किया, फिर भी पूछताछ करने, अभी गाड़ी का बारे पड़ा हुआ, गाड़ी कौन जलाया कर रहे हैं, हम लोग उनको सब का क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग यही जांच मांग कर रहे हैं, और मनीष यादव का जो हुआ उसी का हम लोग को सजा, दिन को गुनाहगार का सजा होना चाहिए। और जमशेदपुर में सोमवार को शिव शिष्य हरिद्रानंद फाउंडेशन के द्वारा टेलको स्थित सबुज कल्याण संघ में शिव शिष्यों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप से एक एक व्यक्ति को शिष्य के रूप से जुड़ा हो सके, इसी उद्देश्य को लेकर इसका आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी से जमशेदपुर शहर तथा आसपास के इलाकों से सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष शिष्य यहां शामिल हुए। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता दीदी बरखा आनंद ने कहा कि शिव केवल नाम से नहीं अपितु काम के गुरु है। शिव के अधोरदानी स्वरूप से धन धान्य संतान संपदा आदि प्राप्त करने का व्यापक प्रचलन है, तो उनके गुरु स्वरूप से ज्ञान भी क्यों नहीं प्राप्त किया जाए। पोटका हाता मुसावनी मार्ग पर एक पॉलिट्री पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक महिला बुरी तरह घायल हो गई। बताया जा रहा है कि मुसाबनी सड़क पर हाता के समीप पोटका की ओर से तेज गति से आ रहा एक पिकअप वैन गाड़ी एक साइकिल सवार को बचाने के क्रम में अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सड़क किनारे जा रही आंगनबाड़ी सेविका कुंती मंडल गाड़ी के नीचे दब गई एवं बुरी तरह घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह गाड़ी के नीचे से निकाल कर स्थानीय अस्पताल पहुँचाया, जहाँ प्राथमिक इलाज कर उसे जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में चालक की लापरवाही से स्कूल से लौट रहा बच्चा ऑटो से गिरा, अस्पताल में भर्ती। सावन की तीसरी सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी भीड़, भोलेनाथ का जलाभिषेक कर भक्तों ने मांगी परिवार के सुख शांति। राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का विरोध करते हुए जेटेट सफल सहायक अध्यापक संघ ने आयोजित की बैठक। और भाजपा नेता विकास सिंह के अनर्गल बयानबाजी पर कांग्रेस नेता आफताब अहमद सिद्दीकी ने SSP को सौंपा ज्ञापन।
और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।